केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी के नेता की शिकायत करने पहुंची महिला एसएसपी ऑफिस। मेरठ के थाना दहली गेट खैरनगर निवासी अमीना नामक महिला का कहना है कि शुक्रवार रात उसका बेटा जुनेद का करीब 10:30 बजे घर लौट रहा था कि अचानक शकील उससे गाली गलौज व मारपीट करने लगा। पीड़िता का कहना है कि शकील समाजवादी पार्टी का नेता है। किसी तरह जुनेद अपनी जान बचाकर घर पहुंचा और अपनी आपबीती घर वालों को बताई, जिसके बाद उसकी मां शकील के घर विरोध जताने गई तो उन्होंने इसको टाल दिया और कुछ देर बाद वापस शकील जमील फैसल ने अमीना के घर आकर उसके साथ बदतमीजी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। वह पीड़िता को कहा कि अगर रिपोर्ट करेगी तो जान से मार देने की धमकी दी। शोर शराबा होने पर थाना दहली गेट पुलिस मौके पर पहुंची और सुहेल जमील फैसल और पीड़ित जुनेद को गिरफ्तार कर लिया। रात में सुहेल जमील को छोड़ दिया, शकील व जुनेद को थाने में ही रखा हुआ है। पीड़िता का कहना है कि उसको इन लोगों से डर है कि ये कुछ भी गलत कर सकते हैं और थाना दहली गेट से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरे बेटे को हिरासत में लिया हुआ है, आरोपियों को छोड़ दिया है, जिसकी शिकायत करने आज महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची। देखिए, मेरे बेटे को मारा, मैं उसके यहाँ पूछने गई कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो सुहेल के यहाँ और शकील ने मारा मेरे बेटे को। मैं इनके यहाँ पूछने गई तो मुझे भी उन्होंने गालिए बक के और फिर मेरे पे भी हाथ छोड़ दिया कि उसका पक्ष लेने के लिए यहाँ पर आई है, और मेरे गिरेवान भी फाड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। वहाँ पे समाजवादी के नेता हैं, वो वहाँ पे गिरफ्तारी भी हो गई थी, तो वहाँ पे पैसे लेके ना अमित दरोगा ने उनको रात ही छोड़ दिया। मेरा बेटा थाने में ही है। कौन से थाने का मामला है? दहली गेट थाने का। थाने में शिकायत कर दी आपने? जी, एप्लीकेशन दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, होती नहीं मेरी सुनवाई कोई। वहाँ पर थाने वाले ने क्या कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं करी, उनको छोड़ दिया रात। मेरा बेटा अब तक थाने में है और एक उनके तरफ का लड़का। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।